बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट शुरू कर दी है और इसी वेबसाइट के ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें फिल करना है। 12वीं का जो 11वीं जमात में दाखिले के लिए हमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है उसकी नई वेबसाइट हुकूमत ने जारी कर दी है। ये वेबसाइट cet.11thadmission.org। अगर आपके पास पुरानी लिंक भी मौजूद है तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप पुरानी लिंक इंटर करेंगे वैसे ही आपको ब्राउजर जो है वो आपकी नई लिंक पर ले जाएगा। आइए हम देखते हैं कि ये फॉर्म हमको किस तरीके से भरना है। ये लाइव सेशन ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए है। ये हमारी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर हमको अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप जो है अपनी वेबसाइट का मुकम्मल नाम लिखिए जो अभी अभी हमने देखा। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड से इम्तिहान दिया है उनके लिए ये लिंक 26 जुलाई 2021 3 बजे से शुरू हो गई है। दूसरे बोर्ड के बच्चों के लिए या एसएससी बोर्ड के पुराने स्टूडेंट्स के लिए ये लिंक 28 जुलाई से शुरू हो। हम यहाँ पर भरना शुरू करते हैं फॉर्म। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जब आप पहली मर्तबा इस वेबसाइट के ऊपर अपना फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट को ओपन करें तो आपको पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो नजर आएगी जिसमें हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग अलग बोर्ड के कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आमतौर पर हमारे ज्यादातर तलबा स्टेट बोर्ड यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हैं और अभी फिलहाल उनके लिए ही लिंक ओपन है। दीगर स्टूडेंट्स के लिए जब ये लिंक ओपन होगी तो वो यहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। हमें नीचे की जानिब यहाँ पर हमको सीट नंबर हमारा एंटर करना है। हमने यहाँ पर एक बच्चे का सीट नंबर लिया है और यहाँ पर 2021 सिलेक्टेड ऑलरेडी आता है। यहाँ पर मदर्स नेम लिखना है और वो मदर्स नेम लिखने के बाद हमको प्रोसीड पर क्लिक करना। जैसे ही आप अपना सही बोर्ड सीट नंबर और मदर्स नेम इंटर करेंगे वैसे ही आपको एक पॉपअप नजर आएगा जिस पर इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपका प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये प्रोफाइल चूंकि मैंने क्रिएट कर लिया था लेकिन अगर पहली बार भी क्रिएट होगा तो यहाँ पर लिख करके आएगा कि योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड, काइंडली नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सीरियल नंबर। ये आपका एप्लीकेशन सीरियल नंबर है। आगे कभी अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो हमको ये नोट डाउन कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या इसका प्रिंट आउट लेकर के आप उसको कर सकते हैं। हम आगे ओके करते हैं और उसके बाद हमको जब ये स्क्रीन नजर आएगा तो यहाँ पर हमारा यहाँ सीरियल नंबर एप्लीकेशन सीरियल नंबर दिया हुआ है। इस चेकबॉक्स को हमको क्लिक करना है, आई हैव रेड ऑल द अबाउ इंस्ट्रक्शंस, इसको क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको मुख्तलिफ अलग अलग चीजें नजर आ रही है वो हमको यहाँ पर भरना है। तो जब हम इसको भरने जाएंगे तो हमको क्या क्या चीजें यहाँ पर जरूरी है वो हमारे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही। पहले से कुछ फील्ड्स भरी हुई होंगी और कुछ फील्ड्स में हमको एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्टेट बोर्ड का नाम आ गया कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये स्टूडेंट है, उसका पासिंग ईयर 2021 है, सीट नंबर स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, वो उसने कौन सी स्कूल से 10वीं का इम्तिहान कामयाब किया है, उसका इंडेक्स नंबर स्कूल का यहाँ पर आता है। ये सारी फील्ड्स पर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते बोर्ड डिटेल्स में, वो सारी चीजें आपके पहले से जो डेटा बोर्ड के पास मौजूद है उसके अंदर से ये डेटा उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। उसके बाद कैंडिडेट्स का फुल नेम, उसकी मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी कैटेगरी और दिव्यांग, ये सारी चीजें आपके स्कूल ने एसएससी बोर्ड की तरफ से पहले ही भरकर आपको एसएससी बोर्ड में भर चुके हैं इसलिए वो सब चीजों में आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस भी हमको जो है वो पहले से भरा हुआ है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दूसरा लिख सकते हैं या अगर आपको वही मोबाइल नंबर रखना है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। और अगर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है तो आप जो है वो ईमेल आईडी यहाँ पर
भर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके आप जो है वो ईमेल आईडी लिख दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले वो नोटिफिकेशन आप आपके ईमेल आईडी पर आपको मिल जाए। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं लिखना है तो वो आपके लिए ऑप्शनल है, उसको भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर ये है कि आप ईमेल आईडी भर करके उसको यहाँ पर नोट डाउन करें। उसके बाद आगे चल करके हमको दिया हुआ है हमारा मीडियम सिलेक्ट करना है। इसके अंदर टोटल इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, उर्दू, सिंधी, तेलुगु, हिंदी, इस तरीके से मीडियम्स दिए हुए हैं। आपका जो मीडियम है आप उस मीडियम को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने उर्दू मीडियम या आपने इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम सिलेक्ट किया है तो आपको और कोई चीज वो नहीं पूछेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर इनकेस आपने सेमी इंग्लिश को सिलेक्ट किया है तो सेमी इंग्लिश को सिलेक्ट करते ही फौरन आपके आगे जो है यहाँ पर आ जाएगा कि मीडियम ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी सोशल साइंस के सब्जेक्ट का आपका मीडियम क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों के अंदर सोशल साइंस का जो मीडियम होता है, जाहिर सी बात यह है कि सेमी इंग्लिश के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा और बाकी का जो होगा वो दूसरे मीडियम का रहेगा, यानी आपका जो मीडियम है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो उर्दू, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ इन मीडियम्स में पढ़ते हैं लेकिन उनका सेमी इंग्लिश मीडियम है तो उनको यहाँ पर अपने उस मीडियम को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट को छोड़कर उनको बाकी का पेपर या बाकी का पेपर के सेक्शन को कौन से मीडियम में चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मराठी भी हो सकता है, गुजराती भी हो सकता है, कन्नड़ भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, तो जो भी मीडियम आपका है उस सेमी इंग्लिश मीडियम को आपको सिलेक्ट करना है। तो सेमी इंग्लिश का मतलब ये होता है कि आपका मैथ्स और साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में होगा, बाकी का जो क्वेश्चन होगा जिसमें सोशल साइंस है वो क्वेश्चन आपका आपके मीडियम के हिसाब से आएगा, इसको आपको जहन में रखना है। तो आपको यहाँ पर अपना मीडियम सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने सेमी इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट किया है तो ही ये विंडो आएगी, अगर आपने अपना डायरेक्ट उर्दू मीडियम सिलेक्ट किया है तो यहाँ की विंडो गायब हो जाएगी, यानी आपके पूरे पेपर उर्दू में रहेंगे। या अगर आपने मराठी सिलेक्ट किया है तो आपका मुकम्मल पेपर मराठी में रहेगा, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है तो आपका पूरा पेपर जो है हिंदी में रहेगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी तीनों सेक्शन जो होंगे वो आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में रहेंगे। तो हमने यहाँ पर इस स्टूडेंट का मीडियम उर्दू सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ पर जो बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ वो थाने डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने टीचर से या किसी से भी मालूम कर लीजिए और उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। मुंबई में दो सब डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं तो मुंबई के स्टूडेंट भरते हुए इसको खासतौर पर ध्यान रखें, बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे मौजूद है। तो मुंबई के स्टूडेंट्स जब अपना फॉर्म भरे तो किस चीज का ख्याल रखना है आपको ये ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने इस स्टूडेंट्स के लिए थाने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है। थाने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप रुकिए ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुका आ जाए। अगर आपने जो है वो यहाँ पर मुंबई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर मुंबई डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुका आ जाएगा कि कौन सा ताल्लुका। तो आपको यहाँ पर ये मालूम करना है कि आपका स्कूल या आपने जहां से फॉर्म भर रहे हैं आपको जिस जगह पर सेंटर चाहिए वो सेंटर आपका कौन से वार्ड में आता है। तो यहाँ पर वो वार्ड के जो डिटेल्स दी हुई है वो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई और डिस्ट्रिक्ट, बीड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है तो बीड डिस्ट्रिक्ट के जो ताल्लुके होंगे उसके अंदर जो आएंगे उनके नाम आ जाएंगे, अम्बा जोगई, बीड, गेरोई, कैज, मजलगांव, इस तरीके से। अगर औरंगाबाद आपने सिलेक्ट किया है तो अलग इस तरीके से औरंगाबाद में जो ताल्लुका आते हैं उनका नाम यहाँ पर नजर आएगा। तो आपको ताल्लुका और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हुए बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपने अगर गलत सिलेक्ट कर लिया तो ऐसी सूरत में आपका सेंटर कहीं और भी जा सकता है। तो आप बहुत ध्यान से अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला और अपना ताल्लुका सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने थाने सिलेक्ट किया है अपना डिस्ट्रिक्ट इस बच्चे के लिए और वहां पर जो उसका ताल्लुका होगा वो आएगा भिवंडी MNP एरिया। जो भिवंडी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि भिवंडी के अंदर ताल्लुका दो है, भिवंडी में कई एक ताल्लुके, थाने डिस्ट्रिक्ट में कई एक ताल्लुका है,
लेकिन भिवंडी के लिए दो अलग अलग तालुका का नाम आ रहा है, एक सिर्फ भिवंडी लिख करके आता है, ये भिवंडी के ग्रामीण एरिए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो भरना है उनको लिखना है, और भिवंडी एमएनपी एरिया यानी महानगर पालिका एरिया, जो लोग भिवंडी सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है भिवंडी एमएनपी एरिया सिलेक्ट करना है। उसी के बेस पर आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट और सेंटर को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर बटन को क्लिक करने के फौरन बाद आपकी पूरी डिटेल जो आपने भरी है वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। एक मरतबा उसको चेक कर लीजिए कि आपने मीडियम सही सिलेक्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट सही सिलेक्ट किया है, तालुका सही सिलेक्ट किया है, अगर आपको मोबाइल नंबर अपना चेंज करना था तो मोबाइल नंबर आपने सही दिया है कि नहीं, और अगर आपको अपना ईमेल आईडी देना था तो आपने ईमेल आईडी दुरुस्त दिया है या नहीं, इसको भी आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद अपनी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप जो है वो इसके बाद इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि आपको अगर आप इसको अभी ओके कर देंगे, अगर कोई तब्दीली करना है तो अभी कीजिए, वरना ओके दबा दीजिए। अब इसके बाद आपका प्रोफाइल कन्फर्म हो गया, आपका फॉर्म दुरुस्त हो गया, अब आप जो है वो फॉर्म में चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर आ गया योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन कन्फर्म एंड सबमिटेड सक्सेसफुली, इफ यू विश यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एंड कभी भी आप इसका जो है वो अपना लॉग इन आई डी डाल के, आपका एप्लीकेशन सीरियल नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के आसानी से इसको जो है वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अगर आपके कंप्यूटर से या आपके मोबाइल से प्रिंटर अटैच है तो आप उसको जो है वो प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या एटलीस्ट कम से कम इसको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन जो आता है उसको प्रिंट सेव एज पीडीएफ करने के बाद उसको आप सेव कर लीजिए। ये आप जब सेव करेंगे तो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर वो सेव हो जाएगा और उसको फिर आप कभी भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सेव होने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से नजर आएगा, आपके पूरे मुकम्मल क्रेडेंशियल्स जो आपने एंटर किए वो सब हो जाएंगे, वहाँ नजर आएंगे और इस तरीके से आप उसको फॉर्म को भर सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से ये फॉर्म भरा जा सकता है, आपको किसी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दो चीजों की मालूमात रखना है कि आपने मोबाइल नंबर दुरुस्त डालना है, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी डालिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट और तालुका है ये दोनों चीजें एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से भर दिया तो आपको कोई जो है वो और काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल वगैरह दिया हुआ है, बाद में भी आप उसको लॉग इन करने के बाद एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से उसको हम भर देंगे फॉर्म को, और जब दोबारा इसकी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम हमारे एप्लीकेशन आईडी की मदद से दोबारा इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद हमने इसको लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करके आप बाहर निकल जाइए, आपका फॉर्म सेव हो गया। इन केस आपको जब दोबारा इसको ओपन करना है तो सिर्फ आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, और मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन आईडी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है और आप उसको दोबारा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।